नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। पंजाब स्पोर्ट्स सुपरस्टार एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट हुए राज्य के वेटरन्स खिलाड़ियों ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2018 में बनाई गई नई स्पोर्ट्स नीति के आधार पर वेटरन्स खिलाड़ियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने नई खेल नीति में वेटरन्स खिलाड़ियों की पेंशन को लेकर लागू की गई शर्तों पर ऐतराज जताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति में ये शर्त भी जोड़ दी गई है कि जिन वेटरन्स खिलाड़ियों की सालाना इनकम 6 लाख या उससे अधिक है वो पेंशन के पात्र नहीं होंगे। ब्रिगेडियर हरचरण सिंह ने इस शर्त पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वेटरन्स खिलाड़ियों को पेंशन एक सम्मान के रूप में दी जाती है, ना कि उनकी आर्थिक हालत के मद्देनज़र मदद के रूप में। ब्रिगेडियर ने कहा कि पंजाब में नई खेल नीति के तहत पेंशन की शर्तों के चलते 125 वेटरन्स खिलाड़ी पेंशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने मांग की कि वेटरन्स खिलाड़ियों को भी नई खेल नीति के तहत पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इन वेटरन्स खिलाड़ियों से नए सिरे से आवेदन मांग लिए हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन अवार्डी हॉकी खिलाड़ी ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, जो कि PSSSA के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि राज्य की पुरानी खेल नीति में वेटरन्स खिलाड़ियों के लिए पेंशन की पात्रता 30 साल की उम्र हुआ करती थी, जो सही थी। ब्रिगेडियर ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी 20 या 22 साल की उम्र तक ही अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाता है, लेकिन नई खेल नीति में उम्र की सीमा 40 साल कर दी गई है, जिससे 20-22 साल की उम्र में खेल से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र तक सभी भूल जाएंगे कि खिलाड़ी की क्या उपलब्धियां थीं। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी वेटरन्स खिलाड़ियों के लिए पेंशन का प्रावधान है, लेकिन पंजाब जैसी कोई शर्त नहीं है। ब्रिगेडियर हरचरण सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेलों और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों और नेशनल गेम में पदक विजेताओं के लिए नई खेल नीति के तहत पेंशन राशि में इजाफा किया है, लेकिन राज्य में ऐसे अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक तो कोई नहीं जीता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देश का नाम ऊंचा किया है। ब्रिगेडियर हरचरण सिंह का इशारा हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों के खिलाड़ियों की तरफ था जो व्यक्तिगत पदक नहीं जीतते।